रीवा के घनी आबादी वाले तरहटी मोहल्ले से बीते 30 जनवरी को किसी शरारती तत्व ने प्राचीन मंदिर से लड्डू गोपाल की मूर्ति और एक साइकिल चुरा ली। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर ली है। पुलिस का कहना, हम जल्द ही मूर्ति चोर को पकड़ लेंगे। रीवा के तरहटी मोहल्ले के प्राचीन मंदिर से 30 जनवरी की रात किसी ने लड्डू गोपाल की पीतल की मूर्ति और एक साइकिल चुरा ली थी, जिसका अभी तक पता नहीं चल पाया है। मंदिर के पुजारी चाहते हैं लड्डू गोपाल की मूर्ति खोज ले। पुलिस कह रही है, हम जल्द ही आरोपी को पकड़ लेंगे। बीते 30 जनवरी को रीवा के पुरानी आबादी वाले इलाके तराटी मोहल्ले से लड्डू गोपाल की एक मूर्ति चोर चोरी करके भाग गए। पुलिस में सूचना दी गई थी, लेकिन अभी तक चोरों का कोई सुराग नहीं लगा है। मंदिर के पुजारी की माने तो मूर्ति लगभग 200 साल पुरानी थी। चोरी 30 तारीख की देर रात 2 से 2:30 बजे रात के बीच हुई, ऐसा मंदिर के पुजारी आशंका व्यक्त कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने किसी को देखा नहीं, फिर भी वो 2-3 लोगों का नाम ले रहे हैं। पुलिस अब उनसे पूछताछ करेगी, जिसकी सूचना उन्होंने पुलिस को 31 तारीख को दी थी। पुलिस 31 तारीख को लगभग 11 बजे जांच करने आई थी, लेकिन उस समय सब कोई सो रहे थे, इसीलिए पुलिस वापस लौट गई। किसी शरारती तत्व ने लड्डू गोपाल की मूर्ति चुरा ली। शहर के पुरानी आबादी घनी आबादी में बने प्राचीन मंदिर से हाल के दिनों में इस तरीके का यह पहला वाक्या है, जब मंदिर के अंदर से मूर्ति को चुराया गया है। मंदिर के पुजारी साफ तौर से कहते हैं, हम मंदिर में और रानी तालाब के मंदिर में भी रहते हैं, दोनों जगह हमारा आना जाना होता है, इसलिए दिन भर हम लोग व्यस्त रहते हैं, रात को हम लोग सोने आते हैं। दूसरे दिन हमको पता चला था मूर्ति नहीं है, तब हमने सिटी कोतवाली में जाकर इस बात की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली है, चोरी का पता लगाने में जुट गई है। पुलिस को उम्मीद है जल्द ही वह चोरों को पकड़ लेगी। इस बारे में हमने मंदिर के पुजारी और रीवा के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनिल सोनकर से बात की। आइए आपको सुनाते हैं चोरी को लेकर उनका क्या कुछ कहना है, आप भी सुनिए। महारन टोला तरहटी में एक छोटा मंदिर है पुराना, उसमें उसके पुजारी ने एक सूचना दी है कोतवाली में आकर के कि एक लड्डू गोपाल की पीतल की मूर्ति और एक साइकिल उनके मंदिर से चोरी गया है। इस सूचना पर कोतवाली में अपराध का पंजीयन किया गया है और पुलिस उसकी विवेचना कर रही है। जल्दी ही हम उस चोर तक पहुंच करके जब्ती कार्रवाई करेंगे। द्विवेदी, ये चोरी कब हुई है, कैसे हो गई? ये चोरी 30 तारीख की रात को लगभग 2 से 2:30 के बीच में हुई है। कैसे, कितने बजे हुई होगी, आप कई बजे तक यहाँ देख रहे थे? मैं तो यहाँ मान लीजिए जो कथा वार्ता होती है, पूजा पाठ होती है, तो इधर उधर चला जाता हूँ। एक मंदिर और अपनी है रानी तालाब परिसर के अंदर, वहाँ चला जाता हूँ। कोई पूजा पाठ में बुला लिया, वहाँ चला गया। नहीं, रात में था, मैं सो रहा था और सोते समय लगभग ये रहते हैं पीछे क्या बोलते हैं, नूर आलम उर्फ लादा हनुमंते का नाम आ रहा है चोरी में। कई लोगों ने मुझे बताया, उसके ऊपर संदेह है कि वही है या फिर किसी ने देखा? देखा नहीं, संदेह है, देखा नहीं, लोगों द्वारा पता चला कि वही चोरी की घटना किया है। तो वो उधर से सर मैंने बताया, ये देख सकते हैं आप, ईटा तोड़ के घुसे थे। पुरानी मूर्ति थी, एक लगभग 200 वर्ष पुरानी मूर्ति थी, काहे की है? बाल गोपाल की, जी, लड्डू गोपाल। पुलिस रात में आई थी 11 बजे विवेचना करने, तो सर कोई थे नहीं, सब कोई 11 बजे रात में अर्ध रात्रि में जानते हैं सोते रहते हैं। दिन भर नहीं आई पुलिस, रात को 11 बजे रात को आई है, दिन भर नहीं आई पुलिस, रात में आई। ये काहे की मूर्ति है, किस चीज की बनी है? ये पीतल की बनी थी।